मैं साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो नॉन परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है कि 17 का रूट निकालिए, तो 17 का रूट कैसे निकालेंगे आप? आपको 21 का रूट दिया जाता है कि अंडर रूट 21 का रूट कैसे निकालोगे, तो 21 का रूट कैसे निकालोगे। जैसे आपको दिया जाता है 26 का रूट कैसे निकालोगे, तो ये होते हैं हमारे नॉन परफेक्ट नंबर। तो इनके रूट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो 17 का रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर जिसका रूट, यानी जिसका रूट हमें पता है और रूट आ जाता है। तो क्या है, पहले 16 है, 16 प्लस 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 प्लस 1 कर दिया तो 16 का स्क्वायर तो अपन को पता है कितना होता है, 4। 16 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हो 4 होता है, प्लस जो आपकी संख्या है इसको आप ऊपर लिख लो। जो आपकी संख्या है 1, 1 क्या कर लिया आपने, ऊपर लिख लिया, 1 ऊपर लिख लिया। जो आपकी ये संख्या आई है, यानी ये जो 4 आया है, 4 का क्या करोगे, नीचे डबल कर दोगे, यानी 2 × 4 कर दोगे, 8 आ जाएगा। 8 का इसमें एक में क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, 8 का एक में भाग दोगे तो 4 प्लस 8 का एक में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बिंदी बढ़ जाएगी। तो 8 एकम 8, फिर से क्या बचा, 2 बचा, फिर आप दशमलव लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 8 × 2 = 16, और फिर आप एक जीरो बढ़ाओगे तो 8 × 5 = 40। तो ये क्या आ गया आपका रूट, आ गया 4.125। ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट आ गया है। जैसे आपको 2 का तो सिंपली पता होता है, 2 का क्या होता है, 2 का होता है 1.414, और 3 का क्या होता है, 3 का होता है 1.732। ये आपको ज्ञात है। जैसे 21 का निकालोगे आप, तो 21 का कैसे निकालोगे, 21 को आप किसके पास में लिखोगे, इसके पास में लिखना है, जितने पास में आप लिख सको। 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 16 प्लस 5 लिख दो, और 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 माइनस 4 लिख दो, तो भी 21 आ जाएगा। ये पास वाला लिखने से आपको एक यहाँ पे फायदा ये हो जाएगा, पास में लिखोगे आप तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो दशमलव में संख्या आएगी वो इसकी ज़्यादा पास आएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस इसका 5 का 5 ही लिख दोगे, इसका डबल कर दोगे, इसका डबल कर दिया 8 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 ज्यों का त्यों लिख लोगे, प्लस अब यहाँ पे क्या बिंदी बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक बिंदी बढ़ जाएगी, दशमलव लग जाएगा। अब 8 का 50 में भाग दोगे तो क्या जाएगा, 48 बचे 2, 8 × 2 = 16, फिर कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये आ गया आपका कितना आ गया, 4.625 आ गया। ऐसे 21 का जैसे यहाँ से निकालते हैं आप, तो कैसे निकालोगे, 25 का क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, माइनस करोगे आप 4, इसका डबल कर दोगे, 5 × 10 यानी डबल हो जाएगा इसका। अब इसका 10 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 माइनस इसका पॉइंट लगा दोगे ऊपर तो क्या आ जाएगा, 0.4। अब 0.4 इसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4.6। ये आपका बिल्कुल नज़दीक ही आ जाता है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 4.6 आ गया, ऊपर क्या था, ऊपर 6.25 था। ऐसे ही आप 26 का निकाल सकते हैं। 26 का कैसे निकालोगे आप, 26 का आप निकाल लोगे क्या, 25 + 1, 25 + 1 को क्या लिख दोगे, 5 + 1 = इसका डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10। तो क्या आ जाएगा एक आपका, 5 दशमलव, ये दशमलव बिंदी हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव, 5.1 क्या आ गया आंसर। तो इसका अब एक सूत्र बनता है, कैसे सूत्र क्या बनता है आपका, वो सूत्र आप लिख लीजिए। जैसे आपको किसी भी नंबर का क्या निकालना है, नॉन परफेक्ट है उसका निकालना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी ऐसे लिखोगे ना आप, ए यानी ये पहली संख्या हुई आपकी, और प्लस माइनस बी, तो
यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे ए। ए क्या है आपका, ए है आपका परफेक्ट नंबर। ए आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है आपका। ए आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे क्या करोगे ए, जो आपका प्लस है या माइनस है, प्लस कर रहे हो यहाँ पे या माइनस कर रहे हो, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दोगे बी, यानी जो यहाँ पे आपका नंबर दिया वो ज्यों का त्यों लिख दोगे, और इसके बटे में क्या कर दोगे, दो गुणे इसका डबल कर दोगे, यानी अंडर रूट ए का डबल कर दोगे। तो ए बन गया आपका सूत्र, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लें, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो आप लोगों को क्या करना है, वो आप क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए इसे आप लोग नोट कर लें, नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब आप किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट हो या परफेक्ट हो, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको स्क्वायर भी सिखा दिया गया है, रूट भी सिखा दिया है, घनमूल भी सिखा दिया है, घन भी सिखा दिए हैं। अब आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ नॉन परफेक्ट नंबर हैं आपको, इनके आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अंडर रूट 50 है और अंडर रूट 63 है। अंडर रूट जो आपका रूट में 6500 का भी निकालना है आपको, 3700 का निकालना, 2300 और 2100 का क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ रूट निकालना है। ये कौन से नंबर हैं आपके, नॉन परफेक्ट नंबर हैं, तो इनका क्या करना है आपको, स्क्वायर निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो जो निकाल सकते हैं वो निकालें, जो नहीं निकाल सकते वो यहाँ बोर्ड पर देखें। आपको हमने सूत्र बताया था अभी, तो उसी से या तो आप सूत्र से कर सकते हो या इंटरनली आप सोच कर भी कर सकते हो। उसे कैसे करेंगे, यहाँ करना है आपको इसका बिल्कुल पास वाला सोचना है। तो इसके पास वाला क्या है, पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका होता है, इसका 49 होता है। तो क्या करोगे, 49 प्लस 1 कर दोगे, 49 प्लस 1 कर दोगे, 49 का आपको स्क्वायर आता है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर होता है आपका 7। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप 7 लिख लोगे, 7 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पे प्लस लगा लोगे। यहाँ पे क्या है, 1 है, और नीचे क्या करना है, इस 7 का क्या करते हैं, नीचे इसके नीचे डबल करते हैं, यानी 7 दूनी इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब क्या करोगे, एक में 14 का भाग दोगे, जितनी बार जाएगा उसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ कर लेते हैं, इस पर क्या करोगे, आप बिंदी बढ़ाओगे तो 7 प्लस दशमलव लग जाएगा आपका। यहाँ पे बिंदी बढ़ाओगे, नहीं जा रहा है, जा तो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, एक बिंदी बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी एक बिंदी बढ़ जाओगी। और 14 7 98, इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 7.07। ये आ गया आपका क्या, परफेक्ट नंबर, यानी किसका, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर आ गया है। ऐसे ही आप क्या करोगे, 63 का करोगे, तो 63 में क्या कर दोगे, 64 से माइनस कर दोगे, 64 से एक माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 63 आ जाएगा। 64 का आपको पता है क्या होता है, 8 होता है, और माइनस से माइनस लगाओगे 1/2, इसका क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो 8 का डबल क्या कर दोगे, 16। अब एक में आप क्या करोगे, भाग दोगे 8, अब एक में आप भाग दोगे तो यहाँ पे क्या, बिंदी बढ़ जाएगी, दशमलव लगा दिया तो क्या बढ़ जाएगी, बिंदी बढ़ जाएगी। यहाँ पे माइनस करके 0, दशमलव लगा दिया, बिंदी बढ़ जाएगी, फिर एक बिंदी बढ़ा दोगे, यहाँ पे बिंदी बढ़ा दोगे, तो 16 छिंक क्या होता है आपका, 16 छिंक क्या होता है, 96 होता है। यहाँ पे 2 अंक तक ले सकते हैं आप लोग, 3 अंक तक, 4 अंक तक भी ले सकते हो, 96 हो गया। अब क्या करोगे, 0.068 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 दशमलव लगा दोगे। अब 8 में से, 1 में से क्या करोगे, 1 में से यानी 100 में से या 0.6 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 0.6 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 और 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, आंसर आ गया है। इसमें आप भाग दोगे 7.2 तक भी ले सकते हैं, यही आएगा आपका आंसर। ऐसे ही आप क्या करोगे, 6500 को भी कर सकते हो, 6500 को क्या लिख सकते हो आप, 6400 प्लस 100,
64 प्लस 100 लिख सकते हो, 64 का आपको पता है कितना होता है 80 होता है, प्लस क्या कर दोगे 100 लिख लोगे, अब इसका 80 का क्या कर दोगे डबल कर दोगे, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। फिर बिंदी से बिंदी क्या करोगे आप काटते जाओगे, इसे काट दोगे आप, इसे 5 यहाँ पे 8, अब जब इसमें आप भाग दोगे तो कितने बार जाएगा ये 8.0625। ये आप पहले भी क्या कर चुके हैं हम लोग, तो क्या करोगे इतने बार आपका ये जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो 3700 का निकाल सकते हो, 3700 को क्या लिख सकते हो आप, 3700 को लिख सकते हो आप 3600 प्लस 100, 3600 प्लस 100 लिख सकते हो, 3600 का क्या होता है 3600 होता है आपका 60 का प्लस 100, 60 का क्या करोगे 60 का दोगुना या डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 120। बिंदी से बिंदी काट दोगे कितने बार जाएगा 5 बार या 6 बार। अब इसको क्या करोगे 60 प्लस इसमें भाग दोगे तो प्लस 6 में भाग नहीं जाएगा, बिंदी पॉइंट दशमलव लगा दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अड़छिंग 48 कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, बचा क्या आपका 2 बचा, 2 में एक बिंदी बढ़ा दोगे तो 6 में 6 18 3 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा फिर 3 बार जाएगा, ऐसे ही क्या होगा ये आगे तक चला जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे आप 60.833, ये क्या आ गया आपका आंसर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ गया आपका ये आंसर आ गया है। ऐसे ही आप कितने ही सवाल हों आप लोग आराम से कर सकते हो। अब ऐसे ही 2300 वाला कर सकते हैं, 2300 को क्या करोगे 2300 के जो पास में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका होता है 2500 का होता है, तो क्या करोगे 2500 में माइनस कर दोगे कितना 200, 2500 में 200 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा ये आपका, इसका तो आ जाएगा आपका 50, माइनस के 200 बटे 50 का क्या कर दोगे डबल, 50 का क्या कर दोगे डबल, 50 का डबल कर दोगे 100, यानी 50 में से क्या कर दोगे 50 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 48, ये 48 की लगभग ही आएगा या 47 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो वो 48 ही आ जाता है आपका। ऐसे ही आप इसका करोगे 2100 का, 2100 को क्या मानोगे आप 2100 को 2500 में से क्या कर दोगे 400 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2100 आ जाएगा। अब 2500 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 50, माइनस के क्या करोगे 400 इसका डबल 100 आ जाएगा, 50 का डबल 100, 2 से 2 काट दोगे और 50 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 46, ये क्या आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की क्लास थी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।